सुप्रभात बहनों, कक्षा 9। आगे देखते हैं यमराज की दिशा में। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। जब माँ ने मुझे समझाया कि दक्षिण दिशा जो है यमराज की है और यमराज को क्रोधित करना जो है बुद्धिमानी नहीं है, तब से जो है मैं दक्षिण की तरफ पैर करके कभी नहीं सोया। और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि बचपन से ही दक्षिण दिशा का भय मन में बैठ जाने के कारण हमेशा मैं दक्षिण दिशा से सतर्क रहता था। इसलिए मुझे जो है दक्षिण दिशा पहचानने में जो है कोई भी समस्या नहीं आई। मैं दक्षिण से दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। मैं जब भी दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, जब मैं बड़ा हो गया तो दूर दूर तक मुझे जाना पड़ा, कार्यवश जाना पड़ा, तो मुझे हमेशा अपनी माँ की याद आती थी। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं। जब मैं दक्षिण की तरफ चला तो दक्षिण की तरफ मैं जितना जाऊँ दक्षिण दिशा उतने अधिक जो है और भी जो है लंबी होती जाती थी। इसलिए मैंने माना कि दक्षिण को लांगना जो है संभव नहीं है। होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। अगर मैं उसके अंतिम छोर तक पहुंचता तो शायद मुझे जो है यमराज का घर दिखाई देता, जिसके बारे में माँ अक्सर बचपन में कहा करती थी। पर यमराज जिधर भी पैर करके सो, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यंग करते हुए कवि कह रहे हैं, जब मेरी माँ कहती थी दक्षिण दिशा जो है मृत्यु की दिशा है, तो वो तो बात समझ में आती थी, किंतु आज जो है प्रत्येक दिशा जो है दक्षिण की दिशा हो गई, अर्थात प्रत्येक चारों ओर जो है देश में हाहाकार, मारकाट इत्यादि, लूटपाट जो है आदि जो है घटनाएं घटती हैं, वही दक्षिण की दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलिशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों से विराजते हैं। आज चारों तरफ जो है जिधर भी देखो जो है मृत्यु का जो है तांडव जो है दिखाई देता है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, युद्ध स्तर पे जो है चल रहा है, जिससे जो है ये पता लगता है कि सर्वत्र जो है यमराज जो है बैठे हुए हैं और वह जो है संपूर्ण पृथ्वी को जो है नष्ट करना चाहते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही। आगे कह रहे हैं कि आज मेरी माँ नहीं रही और ना ही वह यमराज की दिशा रही जो माँ जानती थी, अर्थात दक्षिण दिशा ही ऐसी नहीं है जो मृत्यु की दिशा है। आज चारों तरफ जो है ऐसा वातावरण हो गया है भाई लूट पाट मारकाट का कि सर्वत्र जो है क्या दिखाई देता है, यमराज की दिशा जो है दिखाई देती है। फिर देख लेंगे एक बार, माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। माँ कह रहे हैं, लेखक कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि माँ ने मुझे जब समझाया था कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, तो मैं उसके बाद कभी भी दक्षिण की तरफ जो है पैर करके नहीं सोया। उससे मुझे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि मैं दक्षिण दिशा के लिए जो है बचपन से ही सतर्क हो गया था। अतः जहाँ भी मैं जाता पहले ही पहचान लेता कि दक्षिण दिशा कौन सी है। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। मैं दक्षिण में जो है बहुत, जब मैं बड़ा हो गया तो दूर दूर तक मुझे कार्यवश जो है जाना पड़ा। कार्य करने के लिए जब मेरे को दक्षिण दिशा में दूर दूर तक जाना पड़ा तो मुझे हमेशा अपनी माँ की याद आती थी। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था और जितना भी मैं दक्षिण की ओर चाहता वह जो है उतना और अधिक जो है लंबा होता जाता। होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर ले लेता। कह रहे हैं कि दक्षिण का अगर मैं अंतिम छोर का जो बिंदु है वहां पहुंच जाता तो शायद मुझे वहां जो है यमराज का घर जो है दिखाई देता। किंतु कह रहे हैं, आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो गई है। आज जो है वर्तमान स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो गई, अर्थात चारों दिशाओं में जो है मृत्यु का तांडव जो है आजकल फैला हुआ है और सभी दिशाओं में यमराज के आलिशान महल और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों से विराजते हैं। चारों दिशाओं में लूटपाट मारकाट इत्यादि जो है सर्वत्र जो है दिखाई देता है और हर दिशा जो है अब यमराज की दिशा हो गई है। माँ अब नहीं है, मेरी माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो मेरी माँ कभी मुझे बताया करती थी, यानी दक्षिण की दिशा जो वो जानती थी।